दाल मैंने अभी भी बनाई है। लगता हूँ ही नहीं मैं इस घर का, ऐसा लगता है। तू घर का है ही नहीं जो, तुझे कैसे ये गलतफहमी होगी? तू घर का सदस्य है, कब से हुई ये गलतफहमी तू घर का सदस्य है? रोज कभी नहीं है आप भी तो है, कब से देखो ये गलतफहमी हो रही है तू घर का सदस्य है, ये तो बता दे मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। तो लो जी, सुबह सुबह उठ के हो गई है रस किचन में जो भी काम है सुबह सुबह टिफ़िन बनाने का, बस उसी की शुरुआत हो गई है। और आज तो पता नहीं किचन में क्या क्या बन रहा है, सैंडविच बन रहा है और पत्ता गोभी की सब्जी और मटर बन रहे हैं साथ में। और जिस दिन ये होता ना कि एक ही सब्जी बनाऊं मैं टिफ़िन में, पर उस दिन मेरा काम ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि आज प्रिंस को सैंडविच खाने था और सैंडविच ही ले जाना था टिफ़िन में, और वो फिर रात को ही उसने ब्रेड वगैरह ला के रख दी थी कि उसी हिसाब से फिर मैं सुबह का मतलब मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आलू उबाल ही लेती हूँ, सैंडविच तैयार कर ही देती हूँ बच्चे के लिए। तो एक तरफ मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ मैं सैंडविच बना रही हूँ। और यहाँ हो गई है मेरी चाय गर्मा गर्म तैयार। तो जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो उसके बाद मैं चाय पीने के लिए चली गई थी थोड़ी देर, बीच में 5-10 मिनट मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, जब मेरा सब्जी बन जाती है आटा वाटा लग जाता है तो उसके बाद मैं सीधा चाय वाय पीने के लिए चली जाती हूँ। और बच्चे हैं ना, घूम घूम के बस यही देखते रहते हैं कि खाना बना या नहीं बना। और आधी को तो इतनी जल्दी रहती है मेरे टिफ़िन की कि वो 4 से 5 बार तो मेरे किचन में घूमता ही घूमता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। और आज पता है क्या हुआ, पहले मैं सैंडविच बना दिया ना, तो वो मेरे ऊपर मतलब बार बार किचन में आके देख रहा था कि मेरा टिफ़िन तो अभी तक बना नहीं है, मेरा टिफ़िन तो अभी तक बना नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं होगा लेट बेटा, मैं कर दूँगी। तो ये अभी मैं सिर्फ खाने के लिए सेक रही हूँ दोनों के लिए, अभी जो टिफ़िन में जाएगा ना वो तो अलग है। और बच्चों को वैसे भी कुछ ना कुछ नया खाने का रहता है कि कुछ ना कुछ नया रोज़ चाहिए होता है, और जिसमें प्रिंस तो फिर भी मेरे सब्ज़ी रोटी खा लेता है, पर आदि मेरे रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐसा चाहिए होता है कि सैंडविच नहीं तो फिर आलू के पराठे नहीं तो, अब तो वैसे भी इतनी सारे सब्जी आने लग गई है सर्दी का टाइम, तो पालक मेथी कुछ भी किसी के भी पराठे हो ना तो उनको तो अच्छे से खा लेता है। और यहाँ रेडी हो गए हैं दोनों के टिफ़िन, और कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे अच्छे से टिफ़िन खा के आए, क्योंकि लंच का जो टाइम होता है ना बच्चों का, उसी में बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं, नहीं तो फिर वो आने के बाद वैसे भी इतना नहीं खा पाते हैं, और खाते हैं ना तो बहुत कम। और आज प्रिंस के पिकनिक है तो उसी के लिए बनाए थे मैंने सैंडविच और चिप्स रख दिए थे। आज है पिकनिक और पिकनिक नहीं है, और वो आज चल जादूगर जो आई हुई है तो वो ही दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसके लिए वो सैंडविच 2 दिन से सैंडविच चिल्ला रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है सैंडविच रख दूँगी, चिप्स भी रख दिए उसके मैंने खाने के लिए। और बाकी वो बोल रहे हैं स्कूल से भी कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जहाँ लेके जा रहे हैं, और शायद बाहर लेके जा रहे ना, तो उसकी चेहरे की स्माइल देखिए, मुझे बहुत हल्का देख बहुत हल्का लग रहा है आज तो, है और मजे भी आ रहे हैं। बाहर लेके जाएंगे, ध्यान रखना पड़ता है। मोजे पहन, मोजे तो मोजे पहनो, जूते पहनो, ऐसे नहीं जाना है। तो इतना एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे जूते भी पहन याद नहीं आ रहा उसको। खत्म हो गई है, पर पीछे का काम रह गया है, और मैं फिर से आके बैठ गई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं 5 बजे से उठी हूँ, 7:30 हो गए हैं, तो मैंने सोचा 5-10 मिनट में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, फिर बाद में काम में लग जाऊँगी मैं वापस। तो बस आके बैठ गई हूँ 5-10 मिनट, फिर वैसे भी काम में वापस लगना ही पड़ेगा कैसे भी करके, और वापस नींद आ रही जैसे ऐसा लग रहा है। बच्चे जा चुके थे स्कूल और सब पतिदेव भी ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद मैं नहा के फ्री हो गई थी और धूप में चली गई थी। और ठंड का टाइम आ गया ना तो थोड़ी थोड़ी धूप खाना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर को विटामिन डी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, आधा पौन घंटा तो रुक ही जाती हूँ, उसी के बाद वापस नीचे जाती हूँ। मैं काम करती हूँ ना सुबह से, तो वो काम करते 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 मुझे 2-3 बज जाते हैं, और फिर मैं काम में ये सोचती भी रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या काम करती हूँ, करती तो मैं घर का काम हूँ जो मैं पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना लेट कैसे फ्री होती हूँ। और आज हो गए थे इतने सारे कपड़े, बेड शीट वगैरह, चद्दर वगैरह सब हो गए थे, और फिर मैंने अंदर से आज ठंडी के कपड़े भी निकाले थे सुबह सुबह। कभी ये लगता है ना कि हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर उसको करने का मतलब जो तरीका रूटीन जैसे कि मतलब हम करते हैं सही तरीके से ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं सही तरीके से, पर वो एक धीरे धीरे वाली बात हो जाती है। तो बहुत धीरे धीरे हो गया आज मेरा काम, और कपड़े भी इतने सारे हो गए थे, तो और फिर बीच में क्या हुआ कि लेट भी इसलिए
लाइटों की भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लाइटें भी नहीं आ रही थी, इस वजह से फिर अभी 2 बजे जाके लाइट आई, फिर मैंने मोटर चलाई और फिर मैंने कपड़े धुले हैं। और सुबह एक बार मोटर चला देती हूँ पर ये बच्चे नहाते हैं, फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बाहर का धोती हूँ ना, तो फिर टंकी छोटी है तो खाली हो जाती है। तो अब कंघी वंगी हो गई है, सिरम विरम बालों में लग गया है और अब जा रही हूँ मैं नीचे। 3 तो बज गए हैं, मैं आदी को बोली थी चाय चढ़ा देना पर अदरक ख़त्म हो रखी है तो वो लेके आएगा, तो ठीक है नहीं तो फिर मैं ही लेके आऊँगी मार्केट जाके। लो जी, सुबह के काम से तो अच्छे से फ्री हुए नहीं है और शाम के खाने की तैयारी में लग गए हैं। क्या करें, दिन छोटा होने लग गया है और फिर सुबह की ही फरमाइश से पूरी नहीं होती है कि शाम को फिर से शुरू हो जाते हैं कि क्या नया बनेगा खाने में। और आदि का तो रहता ही है, दाल और छौंक में तैयार कर लिया। दाल मैंने पहले उबाल ली थी, ये देखिए, और छौंक अब तैयार हो रहा है, लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ देखिए छौंक तैयार हो रहा है। पर मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं है, चने की दाल बनाई है और दिन में जो चावल बनाए थे ना तो चावल भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ तो दाल के साथ खाने में आ जाएंगे, क्योंकि सिंपल चावल ही बनाए थे मैंने प्लेन वाले, क्योंकि सब्जी पड़ी थी ना तो प्रिंस ने बोला था मैं सब्जी के साथ खा लूँगा, तो उसमें से बचे रह गए थे चावल, तो दाल के साथ खाने में आ जाते हैं। तो आदि कह रहा था कि आज तो ठंडा खाना खाना पड़ेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो प्रिंस मार्च से हमारे खाना नहीं खाते, खाना खाते हैं मतलब बाजरे की रोटी नहीं खाते, और मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी और चने की दाल है और चावल भी बचे हुए थे, तो मैंने दाल इसीलिए बनाई थी कि मैंने कहा चावल भी खाने में आ जाएंगे, नहीं तो सादे चावल खाने में नहीं आएंगे। पर प्रिंस के लिए तो गेहूँ की रोटी बनेगी, प्रिंस बाजरे की रोटी नहीं खाता, इसलिए तो मैंने सोचा कि पहले मैं बाजरे की रोटी बनाने से पहले गेहूँ की रोटी फेल देती हूँ उसके, और मिट्टी के तवे में सेक लूँगी उसके 2 रोटी, आटा बचा हुआ तो तुम्हें तुझे ये भी काम में आ जाएगा और उसकी रोटी भी बन जाएगी, नहीं तो फिर आटा बचा रह जाता और उसके नखरे भी शुरू हो जाते, खाना ही खाना, रोटी खानी रोटी खानी है। और उसके पापा के, मेरे और आदि के एक ही रोटी बाजरे की बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने 2-3 रोटी का आटा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और कभी कभी ठंडा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, शुगर लेवल बराबर बना रहता है, ऐसा कहते हैं, मानते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ठंडा खाना भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर ये नहीं है कि मैं ठंडा खाना हमेशा खिलाती हूँ, पर कभी कभी जैसे दिन में कुछ बनता है ना तो रह ही जाता है, तो फिर वो फेंकने का ऐसा रहता नहीं कि फेंकूँ मैं, फिर वो खाने में आ जाता है और हम लोग खा भी लेते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली है तो आप लोग भी जानते हो कि कितना खाना बाहर फेंकें, तो बसता ना उसको गर्म करके खाने में आ जाता है, इसलिए दाल बनाई थी। और वैसे भी आधे के तो मेरे रोज़ के खाने के नखरे हैं, तो ऐसा मैं इतना ध्यान देती नहीं हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि बस उसके पसंद का बने, बाकी मैं अपने हिसाब से ही बनाती हूँ, फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो पिज़्ज़ा आ गया है घर में और प्रिंस के चेहरे की स्माइल, और क्या लाया रे, साबुन तो एक साइड में कर दे, और क्या है इसमें, क्या है जी सॉस, ये क्या चीज की सॉस है, अरे अच्छा पिज्जा वाला बनाता है क्या, पिज्जा के वाले के यहाँ से लाए थे क्या, चख के देखूं क्या टेस्ट करके देख, अच्छा ये टेस्टी है रे, टेस्टी है, चल अपन तो खा लेते हैं। नहीं यार क्यों, आ गया ये गजक है, तिल की बनी हुई है और ये है बहुत बड़ा लार्ज पिज्जा, हाँ हाँ मैं तो आज पिज्जा खाऊंगी, फ्रिज में तो खाया था, ये फ्रिज में रखना, जाइए को फ्रिज में रख। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आ गया है घर में पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा, ये देखिए, और है ना हमने सिर्फ इनसे ब्रेड मंगवाए थे कि सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ले आना, पर ये पता नहीं क्या सोच के क्या समझ के इतना बड़ा पिज्जा ले आया, तो अब इसमें सॉस डाल लेती हूँ और पिज्जा खा लेती हूँ गर्म गर्म, मैं तो नहीं रुका जाता यार बेटा, सच में नहीं रुका जाता, फिर ठंडा हो जाएगा फिर पिज्जा टेस्टी नहीं लगेगा मुझे, मैं तो खाऊंगी यार। तुझे पता है तेरी मम्मी से ज्यादा भूखा कोई नहीं है घर में, बहुत यम्मी है, थोड़ा सा इसमें डाल दे, डाल दे मेरी जान। में बनाते हैं काम सारा खत्म हो गया था और ये दोनों अभी खा रहे,
और आदि अभी तक पिज्जा खा रहा है, इसके पापा भी खाना खा रहे हैं, पर रखनी नहीं है कॉपी किताब है, अभी तो और सॉल्व करना है। तो हमने वो भी तो देख रहा है, तो देख रहा तो देख लिया ना बेटा, बहुत हो गया ना जब से टीवी देख रहा है। अगर वो उठ जाएगा तो मैं भी, हाँ तो उठना तो पड़ेगा।